निष्ठा एक बार लेट अस स्टार्ट विद द विज्ञापन। बेटे विज्ञापन दो शब्दों के मेल से बना है, वी और ज्ञापन। जैसा मैंने लिखा वी और ज्ञापन, वी मीन्स विशेष, ठीक है, और ज्ञापन मीन्स सूचना। कुछ विशेष सूचना देनी हो, कुछ विशेष कहना हो तो विज्ञापन बनाया जाता है। अपने प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए, अपने व्यापार की बिक्री बनाने के लिए विज्ञापन जो है वो दिया जाता है। तो बेटे विज्ञापन में मेन खास बात है, विज्ञापन जैसे मैंने ऊपर लिखा, विज्ञापन लिखने के बाद आप एक शीर्षक देना बहुत जरूरी है। टाइटल के बिना आप विज्ञापन नहीं दे सकते, ठीक है, विज्ञापन का शीर्षक देना जरूरी है। विज्ञापन कई प्रकार के होते हैं, आपको पता है, आप न्यूज़पेपर में देखते हो। एक तो विज्ञापन हो गया अपनी चीज प्रोडक्ट की एड का, मेरा नया साबुन निकाला है जी, मैंने नया फेस वॉश निकाला है जी, मैंने कोई नई साबुन निकाला है, या मैं कह दूं मैंने नया कोई परफ्यूम निकाला है, तो मैं उसकी एड दे रही हूँ, एडवर्टाइजमेंट दे रही हूँ। एक तो हो गया वो कि लोग मेरी प्रोडक्ट को जाने और ज्यादा से ज्यादा मुझे मेरे विज्ञापन को मतलब देखें और मेरी बिक्री हो, ठीक है। दूसरा एक विज्ञापन हम देखते हैं न्यूज़पेपर में बेटे कि दिया होता है खो गया पा लिया ना, इस तरह का विज्ञापन भी होता है कि समथिंग इज मिसिंग, इसको इसका ये मतलब ब्योरा ये है, मेरा बेटा खो गया है, लड़के की तलाश लड़की की तलाश, ये वाले विज्ञापन भी होते हैं ना कि मेरी ये चीज खो गई है, ये चीज ऐसी 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 है, इसकी क्वालिटीज ये है, किसी को मिले तो पहुंचा दे, ये भी विज्ञापन दिया जाता है। थर्ड विज्ञापन होता है बेटे, आपको मालूम है वर वधु ढूंढने के लिए भी विज्ञापन होते हैं, वर की तलाश वधु की तलाश, मैरिज के लिए भी विज्ञापन दिए जाते हैं, ठीक है बच्चे। और विज्ञापन होते हैं मुझे लगता है विज्ञापन स्कूल के टीचर्स ढूंढने हैं तो भी विज्ञापन दिया जाता है ना कि इस स्कूल के लिए इस सब्जेक्ट के लिए हमें अध्यापक की आवश्यकता है, ओके। तो इस और एक विज्ञापन होते हैं सरकार द्वारा जारी, पानी बचाओ बिजली बचाओ तेल बचाओ, इस तरह के विज्ञापन भी होते हैं जिनके लास्ट में लिखा होता है जनहित में जारी, ठीक है। तो आज मुझे लगता है एक या दो प्रकार के विज्ञापन हम कर लें वो बहुत होंगे। आज हम पहले विज्ञापन करते हैं साधारण विज्ञापन जो शायद हमने एट्थ में या नाइन्थ में किए हुए हैं, ठीक है। विज्ञापन, अब सपोज मैं विज्ञापन बनाने वाली हूँ विक्रय के लिए अपनी चीज। आपको पता है आजकल तो विज्ञापन उसका भी चलता है OLX पे भी ना, वहां भी आप चीज बेचना चाहते हैं, अपनी पुरानी चीज बेचना चाहते हैं, उसके लिए भी आप विज्ञापन बना सकते हैं। तो मैं अपना प्रोडक्ट मतलब हर्बल शैम्पू, हर्बल बनाया है मैंने कोई तेल, मैं उसकी एडवर्टाइजमेंट करना चाहती हूँ। ऑब्वियस है मैंने कोई हर्बल तेल बनाया है, मैं उसका विज्ञापन देना चाहती हूँ, तो मैं उसको कोई नाम दूंगी, ठीक है, कोई भी नाम दे सकती हूँ मैं उसको। विज्ञापन के लिए सबसे पहले हम बॉक्स बनाएंगे, इट शुड बी इन द बॉक्स, ये एक डिब्बे में होना चाहिए। फिर जो आप जिस चीज का विज्ञापन देने वाले हैं उसका एक नाम रखेंगे, कोई भी नाम देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं अपने हर्बल तेल को नाम दे रही हूं संयम हर्बल तेल। सपोज कीजिए मैंने अपने तेल को एक नाम दे दिया, ठीक है। दक्षिता कुछ पूछना है बेटे? हाँ जी दक्षिता अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मैंने एक चीज पूछनी थी, जो भी प्रोडक्ट की हेडिंग होगी वो एग्जिस्टिंग ब्रांड का नेम ही ना होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। एग्जिस्टेड ब्रांड उसका ब्रांड का किसी का भी नाम नहीं होना चाहिए, आपका ये अपना पर्सनल होना चाहिए। कोई भी ब्रांड जो ऑलरेडी
मार्केट में चल रहा है उसको आप अपने नाम पे नहीं ले सकते, ये बहुत बड़ा काम होता है। ओके, मैंने अपना नाम दे दिया, मैंने हेडिंग लिख दिया, यानी दिस हेडिंग इज मस्ट, पहला। दूसरी चीज डिब्बे में आएगा। तीसरा, कोई कलर यूज नहीं करना, नो कलर एट ऑल, ठीक है। इसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए हमें कुछ ना कुछ डायग्राम जरूर देना होगा, कुछ ना कुछ शक्ल जरूर बनानी होगी, तो हो सकता है आप एक बॉटल सी बना दें। चलिए, मैंने ये बॉटल बनाई और मुझे अपना यहाँ पे भी थोड़ा सा इसे, क्योंकि मैं और कहाँ सजाऊंगी इसको, इसको मैं कोई जरूरी नहीं है मुझे 6 बॉटल्स बनानी है, 5 बनानी है, इस तरह मैं एक भी उससे गुजारा कर सकती हूँ। इट शुड बी ड्रॉन विद नीड एंड लगे कि हाँ बॉटल ही बनाई है, बस इतना, ठीक है। फिर और इसमें क्या आएगा, क्या हुआ, पहले मैंने शीर्षक दिया, टाइटल बहुत जरूरी है, ठीक है। फिर बॉक्स में होना चाहिए, इट शुड बी इन द बॉक्स। तीसरा, डायग्राम, तस्वीर जरूरी है, कुछ भी पिक्चर, ड्राइंग, ड्राइंग इज मस्ट। ये 3 चीजें हो गई। अब चौथी चीज इसमें आएगी, ये 3 चीजें हो गई। चौथी चीज इसमें आएगी बच्चे कि हमें इसके गुण बताने होंगे, इसके गुण बताने होंगे, ठीक है। 3 गुण बताओ, 4 गुण बताओ, 5 बताओ, 2 बताओ, लिमिटेड वर्ड्स। फिर उसके बाद क्या होगा, एक स्पेशल नारा सा बनाना होगा, कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ नारा बनाना होगा, मतलब कुछ जैसे आप दाग अच्छे हैं, सर्फ एक्सेल का है, ऐसे कुछ अगर बना दे तो इट वुड बी गुड, नारा बनाना होगा। और फिर नीचे हमें संपर्क भी देना होगा। ये पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं, समझ लो एक एक नंबर एक पॉइंट का है। पिक्चर नहीं बनाई, गुण नहीं लिखे, नारा नहीं लिखा, बॉक्स नहीं है, संपर्क नहीं लिखा, एक एक नंबर का सब कुछ है, ऐसा समझ लो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक अपनी चीज को इम्प्रेसिव बनाने के लिए कुछ भी ऐसा एक बना देती हूँ, जिससे कुछ खास चीज इसमें लिख दूंगी, मैं टिपिकल कुछ लिख दूंगी इसमें। अब बताइए तेल के बारे में कुछ टिपिकल आप बता सकते हैं, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ। कुछ कुछ टिपिकल तेल की क्वालिटी आप बताएंगे। हाँ जी, कोई बताना चाहेगा, अनम्यूट योरसेल्फ एंड टेल मी। जोर से बताता है। हाँ, जोर से बताता है मेरे को। किससे बताता है? जोर से बताता है मेरे को। अच्छा ठीक है, और कोई? और खुशबू अच्छी हो सकती है। हाँ, खुशबू अच्छी हो सकती है, पर हर्बल तेल है ना, घने और काले बालों के लिए। हाँ, लंबे और काले बालों के लिए कुछ ऐसा, कुछ और पंच सोचो, कोई और अच्छा, कुछ और अच्छा। सर दर्द के लिए बहुत अच्छा है। ओके, ये लगता गर्जा कर देता। हाँ, और कुछ? हम ये लिख सकते हैं, बूटियों का, बूटियों की गुणवत्ता, मतलब जड़ी बूटियों की गुणवत्ता के साथ है, बूटियों की गुणवत्ता, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक और बना रही हूँ, देखिए ऐसा, शरीर की सुंदरता। शरीर की सुंदरता, ओके, बूटियों की गुणवत्ता, शरीर की सुंदरता। मैंने इस तरह 2
बना दिए। अब इसमें हाँ जी बोलो बेटे। मैंने कहा आयुर्वेदिक कह सकते हैं? आयुर्वेदिक नहीं है, हर्बल है, हर्बल आयुर्वेदिक ही। मैम अगर हर्बल है तो इसमें वो भी स्लोगन बन सकता है ना, इसमें हर्ब्स होंगी, हर्बल मींस इसमें हर्ब्स होंगी। हाँ तो मतलब आजकल बिकता ही आयुर्वेद, तो इस हिसाब से कह रहा था मैं। आजकल बहुत बिकते हैं, आजकल दोबारा यू टर्न है, दोबारा आ चुका है। ओके चलिए मजाक नहीं, अब हम अपनी अपने जो तेल की है ना उसकी गुण लिखेंगे। अब हमारा तेल सिरका तेल है या जोड़ों की मालिश करने वाला है या ये इसमें मॉइस्चराइजर है, ये तो अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसके गुण क्या लिखने चाहते हो। ठीक है, चमकदार चर्म। मैम ये हो सकता है सेहत भी स्वाद भी। सेहत भी स्वाद भी, वो तो तेल पीने वाला थोड़ा होगा जो स्वाद, अगर हर्बल है ऐसे तो पिएंगे थोड़ा तेल, तेल पिएंगे नहीं, तेल पिएंगे नहीं, सेहत ही है। तो मैंने तो लिख दिया चमकदार चर्म, मलने वाला तेल है ना, जैसे वो कहते हैं उसको क्या कह सकते हैं हम, सरसों का तेल है इस तरह के कुछ, मेरा मलने वाला तेल है। ठीक है, चमकदार चर्म, चर्म मीन्स स्किन। ठीक है, लंबे बाल और जोड़ों के लिए प्रभाव, जोड़ों के लिए असरदार। ओके एक और लिख देते हैं कुछ, लंबे बालों का रक्षक, क्योंकि मुझे ये जगह खाली लग रही थी तो मैंने उस जगह को भी भर दिया। ओके, शरीर की सुंदरता, जोड़ों के लिए असरदार। हाँ मैं फिर इसको बैलेंस करने के लिए यहां लिख रही हूं, जल्दी आइए ऑफर पाइए, ऑफर पाइए। ठीक है, संपर्क करें, अब मुझे इसको बंद भी जरूर करना है। बस यही क्वालिटी है विज्ञापन की, एक हेडिंग बॉक्स जरूरी है, हमें तस्वीर जरूर बनानी है, उसके कुछ गुण लिखने हैं, कुछ हाइलाइटेड लिखना है और नीचे संपर्क जरूर देना है। जब हम अपनी कोई चीज बेचना चाहते हैं तो बस इतना ही, जितना समय मुझे लगा है इतना ही समय विज्ञापन में आपको लगना चाहिए। आपके लेखन कौशल में 5 चीजें हैं और आपको पेपर में बनानी होंगी 7, 5 चीजें हैं पेपर में 7 लेके आनी होंगी। हमारे पेपर में नंबर 1 है अनुच्छेद, मतलब पैराग्राफ, बेफिक्र दीजिए रहिए, इसके लिमिटेड वर्ड्स होते हैं यानी हमें बड़ा नहीं लिखना होता, ये हम फिर करेंगे। नंबर 2 है हमारा पत्र लेखन, नंबर 3 है हमारा विज्ञापन, नंबर 4 है हमारी सूचना एंड नंबर 5 है लघु कथा। ठीक है, 5 चीजें हैं, दिस इज ऑफ 26 मार्क्स, 6 5 5 5 5। अब ये 5 चीजें हो बनानी, देखिए आपका पेपर पता नहीं 3 घंटे का है या 1.5 घंटे का है, मैं नहीं कह सकती, लेकिन हमें प्रैक्टिस करनी है। ये दो चीजें डिवाइडेड होके आएंगी, 2.5-2.5 नंबर की हैं, ये भी 2.5-2.5 नंबर की दो चीजें हैं, यानी 5 की जगह पे हमारी 7 चीजें बनेगी। ये 2.5 नंबर का है तो हमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी इस पे, बस क्या याद रखना है पता नहीं बेटे, कितना टाइम है, टाइम जितना होगा आपको पता चल जाएगा।
आपको क्या मेन ध्यान में रखना है बच्चे कि हमें ये पॉइंट्स सारे आने चाहिए विज्ञापन, टाइटल हो जैसा भी हो जो भी हो, उसने नहीं देखना आपने क्या नाम लिखा, उसने देखना टाइटल लिखा है इसने, ओके, देन बॉक्स, बॉक्स में है इसका विज्ञापन, इट्स ओके, तस्वीर एनी डायग्राम ड्रॉ है, ठीक है, गुण दो तीन पॉइंट्स लिखे हैं, थोड़े रेलेवेंट लग रहे हैं पॉइंट्स, ओके, कुछ नारा वारा दिया है नीचे ऊपर, कुछ हाईलाइटेड दिया है जैसे सेल सेल सेल, आज आओ दुगना पाओ, कुछ ऐसे का कुछ दिया हुआ है, और नीचे संपर्क ये दिया हुआ है, देन इट्स ओके। मतलब हमें विज्ञापन पे बहुत समय नहीं लगाना, हमें इतनी प्रैक्टिस कर लेनी है विज्ञापन की कि हमें अगर दो विज्ञापन आए ढाई ढाई नंबर के तो हम उसी टाइम पीरियड में बना सकें, ठीक है। ये पांच टॉपिक हैं लेखन कौशल के, जबकि आप इसमें दो ऐड करेंगे सात होंगे, ढाई ढाई नंबर के दो विज्ञापन आएंगे, ढाई ढाई नंबर की दो सूचनाएं आएंगी। ऑब्वियस है अगर दो विज्ञापन आएंगे तो दो अलग अलग ढंग के विज्ञापन आएंगे, एक आपने ये चीज बेची, दूसरा हो सकता है कि आपका विज्ञापन आ जाए कि स्कूल में हिंदी अध्यापक की आवश्यकता है तो अपने स्कूल के लिए एक विज्ञापन तैयार कीजिए, इस तरह दो अलग अलग विज्ञापन आएंगे, दो अलग अलग सूचनाएं आएंगी। तो आज हमने विज्ञापन किया, एक बार दोबारा रिमाइंड कर लें विज्ञापन होता क्या है, दो हिस्से वी प्लस ज्ञापन, विशेष ज्ञान विशेष सूचना कोई देनी, लोगों को बताना कुछ एडिशनल, ठीक है। अब विज्ञापन जिस भी चीज का हो, जैसे हर्बल तेल का आ गया, हर्बल साबुन का आ गया, किसी और चीज का आ गया, कोई भी कहा जाए किसी शैम्पू का विज्ञापन करो, तो आप नाम अपना देंगे, कोई भी चलता हुआ नाम जो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है आप वो नाम नहीं दे सकते, ओके, तो आपको अपना नाम देना होगा उस विज्ञापन में, ठीक है। देन थोड़ा सा पिक्चर बना के उसे अच्छा बनाना होगा, यूज ओनली वन कलर, इफ यू आर यूजिंग पेंसिल ओके, इफ यू आर यूजिंग पेन इट्स ओके, इफ यू आर यूजिंग ब्लैक पेन इट्स ऑल्सो ओके, सिंगल कलर के साथ आपको बनाना है, तो बेटर टू प्रिपेयर इट विद पेंसिल। आपको कुछ थोड़ा बहुत रब करना हो, ऊपर नीचे करना हो, जैसे मुझे लग रहा है ये ज्यादा ऊपर को चला गया, नीचे करना है तो मैं नीचे आराम से कर सकूं इसे रब करके, ठीक है बेटे। और अपने ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, नोट दीज पॉइंट्स इन द पॉइंट्स इन द कॉपी, टाइटल इज मस्ट, टाइटल के बिना विज्ञापन नहीं बनेगा, बॉक्स जरूरी है, छोटा मोटा डायग्राम जरूरी है, उस चीज को जिस चीज को आप बेच रहे हो उसके गुण जरूरी है, नारा थोड़ा बहुत जैसे वॉशिंग पाउडर निर्मा है ना, उस तरह का कुछ ना कुछ नारा, और संपर्क नीचे कहाँ से ये चीज खरीदनी है, किसको बुलाना होगा, किसको मिलना होगा, या किसके नंबर वगैरह कुछ ऐसा दे देंगे तो हमारा विज्ञापन तैयार हो जाएगा, ठीक है बेटा। मुझे लगता है yes, ma'am. हाँ क्लियर कर पाई इस बात को। इसके बाद हमारा एक ही लेसन रह गया है बच्चे, जो है टोपी शुक्ला, टोपी शुक्ला लेसन रह गया है। अब संचयन का एक ही लेसन है हमारा टोपी शुक्ला, हमारी स्पर्श खत्म हो चुकी है, स्पर्श हमने सारा कर लिया हुआ है, स्पर्श में जो जो लेसन थे आपको मैंने मार्क भी करवाए हुए हैं, स्पर्श इज फिनिश्ड, एक बार दोबारा देख लीजिए, कारतूस लेसन था, नीचे से शुरू कर रही हूँ, स्पर्श में कारतूस लेसन था, झेन की देन लेसन है वही जो चाय वाला चानो यू, देन अब कहाँ दूसरों के दुख में दुखी होने वाले, कि ये आ चुका है, ये आ चुका है ऑलरेडी, नो नॉट नॉट, झेन की देन, उसके बाद है ततारा बमीरो भी आ चुका है, डायरी का पन्ना, बड़े भाई साहब ये तो आ चुके हैं, तो ओनली दिस मच, झेन की देन एंड कारतूस, सिर्फ झेन की देन और कारतूस है बच्चे इस बार, लेट मी कंफर्म। हाँ जी बस दो ही लेसन है, ठीक है, लेसन दो ही है, और पोएट्री तीन कविताएं हैं हमारी, कविताएं कौन कौन सी हैं देख लीजिए एक बार, मनुष्यता, पर्वत प्रदेश में पावस, और कर चले हम फिदा, ओनली थ्री, फाइव थिंग्स आर देयर, पांच चीजें ये हैं, और तीन लेसन उधर से हैं, संचयन टोटली अभी छेड़ी है हमने,
संचयन टोटली इसी टर्म में है, पहला हरिहर काका, दूसरा सपनों के से दिन, और तीसरा लेसन है टोपी शुक्ला। हाउ मच टाइम इज लेफ्ट? मैं टोपी शुक्ला की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दूं, है 5-7 मिनट अभी हमारे पास, आज तो अटेंडेंस भी हमारी अच्छी है। तो टोपी शुक्ला की मैं थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी बच्चे। टोपी शुक्ला में आची, वृंदा, सक्षम, डी सेक्शन का रोहानी, शर्मा, प्रथम, वेरी गुड प्रथम, कार्तिक, तेजवीर, सिमन, राघव, निष्ठा, रोहानी, परमवीर, ओके, गुड स्ट्रेंथ आई एम हैविंग टुडे। तो चलिए मैं टोपी शुक्ला शुरू कर ही देती हूँ आपको लेसन। हाँ, टोपी शुक्ला बेटा नाम ही बड़ा अजीब लग रहा है ना, कौन सी टोपी पहनानी है, किसको पहनानी है? शुक्ला तो कास्ट होती है, तो ये एक बच्चा है, जैसे टोपी कहते हैं सारे, और शुक्ला, शुक्ला जी का बेटा है, शुक्ला नीले तेल वाले, ठीक है, भृगु नारायण शायद उनका नाम है, उनका बेटा है। ये एक ऐसा बच्चा है बच्चे, थोड़ा इन शॉर्ट में सिर्फ आपको आज कहानी की रीडिंग नहीं करवाऊंगी, उसकी इंट्रोडक्शन बताऊंगी, पर वैसे आप कह देते हो मैडम सारा आप सस्पेंस खत्म कर देते हो कहानी बता के, तो मुझे लालच होता है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ है तो मैं जिस्ट फेंक सकूं आपको, ओके? तो जिस्ट है इसकी कि ये एक ऐसा बच्चा है जिसकी माँ पूर्वी बोली बोलती है और दादी बहुत पढ़े लिखों वाली हमारे जैसी भाषा बोलती है, सोफिस्टिकेटिव लैंग्वेज बोलती है और माँ पूर्वी बोली बोलती है, ओके? अब बच्चे पे असर होगा दोनों लैंग्वेजेस का, माँ की भाषा का भी और दादी की भाषा का भी, पर बच्चे को इतनी परमिशन होती है कि वो चुन ले उसे कौन सी भाषा अच्छी लगती है। कई बच्चे दादी वाली सोफिस्टिकेटिव भाषा को अच्छी समझते होंगे कई, पर ये बेचारा ऐसा है जिसे माँ की बोली बहुत अच्छी लगती है, पूर्वी बोली जिसे बहुत ही पसंद है, बहुत अच्छी लगती है उसे पूर्वी बोली, ठीक है। और ये घर में सबसे छोटा है, थर्ड नंबर है इसका, सबसे छोटा है, तो सबसे छोटे होने के कारण किसी को भी आवाज देनी होती है तो इसी को पकड़ते हैं कि काम कर। अभी ये घर में छोटा है, काम करता है घर का, पूर्वी बोली माँ की तरह बोलता है और दादी से डांट खाता है कि तेरे को कितनी बार बोला है कि ऐसी भाषा मत बोला कर, पर तू बाज नहीं आता। इसका एक दोस्त बनता है जो मुसलमान दोस्त है, वो दोस्त क्यों बनता है? क्योंकि उस दोस्त की दादी पूर्वी भाषा बोलती है, ये उसकी दादी के पास बैठ जाता है, उसकी दादी इसे बहुत प्यार करती है, इसे भी कहानियां सुनाती है, अपने बेटे को भी कहानियां सुनाती है, अपने पोते को भी कहानियां सुनाती है, इसलिए अपने उस मुसलमान दोस्त की दादी से इसको बहुत प्यार हो जाता है। माँ तो बेचारी दादी से डर के कुछ कह नहीं ना सकती, दादी डांटती है तो ये भी डांटती है, माँ भी डांटती है कि तू क्यों दादी को जवाब देता है, अपने घर में तो इसका चलता नहीं, लेकिन अगर अपने दोस्त के घर में आता है तो दोस्त की दादी पूर्वी भाषा बोलती है, इसकी माँ की भाषा बोलती है, इसे बहुत अच्छी लगती है, ये दादी के पास बैठ जाता है और कहानियां सुनता है, दादी इसको कहती, उसके घर में भी मुसलमान के घर में भी बाकी सारे सोफिस्टिकेटिव भाषा बोलते हैं तो दादी इसे बचा लेती है, कहती आ जा तू मेरे पास आया कर, तू सीधा उधर मत जाया कर, तू मेरे पास बैठा कर। अब बचपन में बहुत छोटे होते हुए जो घर से इग्नोर हो बच्चा, उसे दोस्त की दादी से प्यार मिले और अचानक उस दोस्त का ट्रांसफर हो जाए, उस दोस्त का ट्रांसफर हो गया, उसकी दादी मर गई, तो ये फिर अपने आप को अकेला समझने लग जाता है। और ये घर में ऐसा है जो एक ही क्लास में 3 बार फेल हुआ और तीसरी बार पास हुआ तो थर्ड डिविजन में पास हुआ है ना, तो टीचर्स उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं आप अंदाजा लगा सकते हैं। एक ही क्लास में, अब तो खैर रिवाज ही नहीं है ये, एक ही क्लास में बच्चे को 3-3 साल बैठना पड़े तो उसके साथ टीचर क्या कहेंगे। सबसे पहला डायलॉग टीचर्स का जो होता था वो ये होता था कि बेटा तू क्या करना है पढ़ के, तू आगे आने वाले जो बच्चे है ना छोटे उनके साथ दोस्ती कर, उनके साथ आई तब समझी, या तो ये कमेंट, या फिर कमेंट क्या होता है टीचर्स का कि बच्चे तू तो विद्वान हो गया होगा, तेरे को तो किताबें रट गई होंगी, 3 साल हो गए तुझे रटते हुए, यहाँ ये डायलॉग होता था है ना, वो बेचारा हाथ खड़ा करता था कि मैं जवाब सुनाऊं, लेकिन टीचर यही कह के उसे संतुष्ट कर देते, बह जा तेरे को नहीं सुनना, तेरे तो बहुत चंगी तरह आता हूँ, तेरे को बहुत अच्छे से आता है, तू तो बूढ़ा हो गया किताबों को पढ़ते पढ़ते, इस तरह के डायलॉग उसे सुनने को मिलते थे। घर में भी डांट, स्कूल में भी डांट,
दोस्त भी चला गया, दो दोस्त की दादी भी मर गई, अब उस बेचारे के पास कोई सहारा नहीं होता, तो वो किसके पास अपना सहारा ढूंढता है? नौकरानी, घर की नौकरानी के साथ। अब नौकरानी के साथ, नौकरों के साथ रहेंगे तो हमारी सोच भी छोटी हो जाती है, हम जल्दी सॉरी फील करते हैं, हम जल्दी अपने शब्दों को दबा लेते हैं, तो उसकी सोच भी बेचारे की छोटी हो जाती है, कॉन्फिडेंस लेवल लूज हो जाता है उसका। दिस इज द होल स्टोरी। टोपी शुक्ला हमारा कैरेक्टर है, ठीक है, और लेखक कहता है कि इसकी बात करूंगा तो पहले इसके दोस्त का नाम तो मुझे लेना ही पड़ेगा, और दोस्त कौन है? वही मुसलमान, उसका नाम है इफन, ठीक है। तो चलिए, रेस्ट इज ओके, कल मिलते हैं टोपी शुक्ला जी के साथ। होपफुली अगर पढ़ना चाहे तो आप थोड़ा सा लेसन पढ़ के आएंगे। ओके ओके, बाय बच्चे, गुड बाय, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, बी सेफ, गुड बाय।